अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो है बीजेपी की सरकार को। 19 निर्वाचन रे बीजेडी पोड़ा ट्रांसफॉर्मर को उपाड़ी फोपाड़ी देवा को आह्वान करिथिले साहा। आउ एबे पूरी बीजेडी विरोध रे अमित साहंक कठोर आभिमुख्य। नवीन को सह लड़ाई आमना सामना, ओडिसा रो कार्यकर्तांक दृढ़ मत, ओडिया भाषा संस्कृति एवं राज्यर गर्व पई निर्वाचन लड़ा को स्थिर करिछि बीजेपी। विश्लेषकों मत केन्द्रीय नेतृत्व कड़ा आभिमुख्य बदलाई देव ओडिसा राजनीतिर पाणिपाग। आर पार लड़ई जोरदार लड़ई, पद्म भर्सेस शंख, फेस टू फेस कौन सी द्वंद्व नहीं, बीजेडी सह हेउछि मुहांमुहि लड़ई। ओडिया भाषा संस्कृति गर्व एवं अस्मितार रक्षा पई बीजेपी लड़ू। यह ओडिशावासी इच्छा जातीय गणमाध्यम साहंक कड़ा आभिमुख्य पर राज्य राजनीति में बड़ हलचल। तेरे 2019 साधारण निर्वाचन समय रे बीजेडी सरकार पोड़ा ट्रांसफॉर्मर को ओपाड़ी फोपाड़ी देवा पाई आह्वान करते अमित शाह। ओडिशा गस्तरे आसी बरगढ़ साधारण सभा रे कड़ा बयान देते शाह, ओडिशा सरकार ट्रांसफॉर्मर पोड़ी जा। तेणु यही पोड़ा ट्रांसफॉर्मर को न बदल ओपाड़ी की फोपाड़ी देवा पाई आह्वान करिथिले अमित शाह। ओडिशा में भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार का जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया है। अब मुझे बताओ भाइयों, ये ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? जोर से बोलो क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो है बीजेपी की सरकार को। 24 लड़ाई पाई संकल्पबद्ध बीजेपी। देश में मोदी नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यगुड़िक विकास गति हो बहुगुणित। तेणु मोदी नेतृत्व में ओडिशा विकास दायित्व तो राज्यवासी आमको दियंतु बोली अपील कर अमित शाह। पिक्चर पूरा क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है और इसमें कोई विषय ही नहीं है। और आम लड़ाई तो हो रही है और जनता भी यही चाहती थी और उड़ीसा भी यही चाहता है और सरकार तो बन ही रही है और 400 पार क्रॉस कर रहे हैं, उसमें सारी सीटों हैं, सारे हमारे जो स्टेट हैं इसके भी बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। तबे शाहंक स्पष्टोक्ति परे बीजेपी मनोबल आहुरी बढ़िछि। दल कहिछि ओडिसा रे बीजेडी दुर्बल, सेमाने सरकारु जाउछन्ती एवं बीजेपी ओडिसा रे सरकार करिबो। तेणु बंचिबा पई सेमाने मेंटो करिबाकु दिल्ली रे जाइ पहुँचिथिले। ओडिया नारे अण ओडिया शासन करुछन्ती, ओडिया अस्मिता एवं ओडियात्व ओडियार रक्षा पई लढ़ई जोरदार हेबो। लढ़ई जोरदार हेबो, एठु बिजु जनता दल को समूळे विनाश करा जिवो, भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबो। जो भली भाबरे ओडियार अस्मिता को एठु पददलित करिछन्ती, ओडिया नारे अण ओडिया एठी शासन करुछन्ती, ओडिसार युवक मानुको आज विदेश को पठाइ देउछन्ती दादन खटिवा पई। ओडिया अस्मिता ओडियात्व पई ओडियार रक्षा पई लढ़ई हेबो। सेपटे बीजेडी को नहीं शाहंक कड़ा आभिमुख्य द्वारा ओडिशा राजनीति में बड़ परिवर्तन हेबो बोली आकलन करिछंती राजनीतिक विश्लेषक। श्रीयुक्त अमित शाह जो कथा कहले आहुरी स्पष्ट होगला एवं जनापड़गला जे भारतीय जनता पार्टी केवल निर्वाचन में एकाकी लड़ब ना बर जय अधिक मात्रा रे जयजुक्त हे और ये डबल इंजिन सरकार होवार संभावना अच्छी। बर्तमान कथा हूँ ये सब जिनसगुड़ स्पष्टोक्ति कलापर जो जो समालोचक मान मुह बंद हो। साधारण निर्वाचन में बीजेपी को मिलता 38% भोट और बीजेडी पाई 44% भोट। उभय दल मध्य 4% अर्थात मात्र 10 लक्ष भोट्र व्यवधान था। तेणु एथर बीजेडी सरकार विरोध में आंटी इनकम्बेंसी एवं मोदी ग्यारंटी प्रति बढ़ुवा ओडिशावासी भरोसा बीजेपी को सफलता देव बोली चर्चा होउची। भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से बिव्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।